हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ, और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है। और आज मैं ऐसे प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं आपको कि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। चलो मैं देरी ना करते हुए बता दूं कि आज का मेरा टॉपिक है FNAC। साइटोलॉजी में जो FNAC होती है, हम उसका बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, FNAC होती क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। आज इसके बारे में हम वीडियोग्राफिक के थ्रू आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे FNAC होती है और क्यों करते हैं और उसका रीज़न क्या होता है करने का। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो FNAC की फुल फॉर्म है उसी से, यानी कि एक जो नीडल होती है, फाइन नीडल यानी कि क्लियर और बिल्कुल जो फ्रेश नीडल होती है और एकदम शार्प नीडल होती है, उससे हम साइटोलॉजी के लिए एस्पिरेट करते हैं सैंपल को, किसी भी गांठ, किसी भी लिम्फ नोड्स या फिर किसी भी टाइप की सूजन हो वहाँ से। देखिए दोस्तों, होता क्या है, FNAC करने का मेन मोटिव होता यह है कि जब किसी भी टाइप की बॉडी के अंदर गांठ होती है, चाहे वो आपकी लिम्फ नोड्स हो या TB की गांठ हो या थायराइड गांठ हो, किसी भी टाइप की बॉडी के अंदर स्वेलिंग या गांठ होती है, जब पेशेंट के अंदर ऐसी कंडीशन होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में वो सजेस्ट करते हैं कि आपको FNAC करानी चाहिए। फिर उसके बाद में वो पेशेंट को भेजते हैं पैथोलॉजी लैब के अंदर, जहाँ पे साइटोलॉजी होती है और FNAC के लिए उसको रेफ़र किया जाता है। अब जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसमें सारी हिस्ट्री लिख के दे देता है कि गांठ कहाँ पे है और कहाँ की FNAC होनी है। देन उसके बाद में जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो उसको एस्पिरेट करेंगे, वो सारा सब कुछ उसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में पेशेंट को जो FNAC रूम होता है वहाँ पे बिठाया जाता है या लिटाया जाता है। देखिए, FNAC कराने से पहले कुछ हिदायतें होती हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी होती है। उससे पहले ये होता है कि पेशेंट को भरपेट खाना खाना ज़रूरी है, ताकि उस टाइम पे जब प्रोसेस जब FNAC करते रहते हैं तो पेशेंट को कहीं चक्कर ना जाए या फिर घबराने की वजह से वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। तो इसलिए उसको खाना पूरी तरीके से, ताकि एनर्जी रहे और FNAC करा सके। देन उसके बाद करना ये होता है दोस्तों कि पेशेंट को लिटा दिया जाता है। लेटने के बाद में जहाँ भी गांठ होगी, मान लो कि अगर गर्दन पे है, लिम्फ नोड्स है या थायराइड है, कोई भी गांठ है, उसके बाद में जो डॉक्टर होंगे वो जो निडल होगी, इंजेक्शन होता है हमारे पास में 10-20 ml जो होते हैं इंजेक्शन, उससे उस जो गांठ होगी वहाँ पे प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद में वहाँ से जो सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं। बेसिकली वहाँ से कलेक्ट किया जाता है पस, अगर पस का सैंपल कलेक्ट होता है तो उसमें TB के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ से जब सैंपल, जब साइटोलॉजी, जब माइक्रोस्कोपी होती है, ये तो उसमें फाइनल होता है कि क्या प्रॉब्लम पेशेंट को, क्या नहीं है। उससे पहले तो हम आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं। देन इसके बाद में आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को लिटा के और फिर सैंपल कलेक्ट करते हैं डॉक्टर, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद में टेक्नीशियन को हैंड ओवर किया जाता है। टेक्नीशियन उसके बाद में जो स्लाइड होती हैं उनको प्रिपेयर करता है। तो साइटोलॉजी के अंदर जो FNAC है, ये सिर्फ एक इतना ही शॉर्ट प्रोसीजर है। इसको मैंने आपको बताया और दिखाया भी वीडियोग्राफी के थ्रू। तो इतना ही था बस आज के हमारे FNAC एपिसोड में। अगर कि मेरे दोस्तों को पता नहीं है, कि बहुत लोगों को नहीं पता कि FNAC होती क्या है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती क्या है, तो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। छोटी सी जानकारी दी है, छोटी सी वीडियो है, सिर्फ FNAC के बारे में बताया। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपी होती है, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो स्टैनिंग होती है, वो सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। सिर्फ दिखाने का मोटिव यही था कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि FNAC होती क्या है। नाम काफ़ी सुना होता है बट पता नहीं होता। तो यही था FNAC एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।